हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव चैनल में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं, तो जल्दी से आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी भी अपने चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जितने भी आप ग्रुप यूज करते हो सभी में शेयर भी कर दीजिए, और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। ओके, तो आज की क्लास हमारी टेक्निकल की क्लास रहेगी, जिसमें हम एसएससी जेई से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा था वो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल में आज हम सीमेंट के साथ साथ टिम्बर के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स डू सम एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल फॉर एसएससी जे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ इन ईयर्स ऑफ द हाई ड्यूरेबल टिम्बर। ऑप्शन ए लेस देन 3 years, ऑप्शन बी 3 to 6 years, ऑप्शन सी 6 to 10 years, या ऑप्शन डी मोर देन 10 years। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि औसतन काल कितना होता है एक उच्च टिकाऊ लकड़ी के लिए। सभी को आंसर बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। ओके, सभी का आंसर आई थिंक आ गया होगा। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, मोस्ट ड्यूरेबल टिम्बर के लिए जो एवरेज लाइफ पीरियड होता है वो 10 इयर्स से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड वीनियर्स आर प्लेस्ड सो दैट द ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट वीनियर्स आर। ऑप्शन ए एट राइट एंगल, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी इंक्लाइंड एट 45 degree, या ऑप्शन डी इंक्लाइंड एट 60 degree। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि प्लाईवुड में वीनियर्स इस तरह से प्लेस की जाती हैं कि एडजेसेंट वीनियर्स के ग्रेन्स कितने डिग्री पर होने चाहिए। जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए। ओके, जिन्होंने पढ़ा होगा उनका तुरंत आंसर आ गया होगा। तो याद रखिएगा एट 90 डिग्री पर रखा जाता है। ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट द व्हाइट आंट, इट मींस इसको हम क्या बोलते हैं, दीमक बोलते हैं, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी शीशम, या ऑप्शन डी टीक। जल्दी से बताइए मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट आंट किसका होता है, जल्दी से बताना है सभी को। ओके, तो हमारे पास दो प्रकार की वुड होती है, एक होती है हार्ड वुड होती है और दूसरी क्या होती है, सॉफ्ट वुड होती है। सॉफ्ट वुड को सॉफ्ट वुड आखिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें सैप की प्रेजेंस होती है, उसमें एनुअल रिंग्स जो होती हैं वो डिस्टिंक्ट क्लोजली पैक्ड विद शैप होती हैं, इसलिए उसको सॉफ्ट वुड कहा जाता है। वहीं हार्ड वुड में हमारा सैप की प्रेजेंस नहीं होती है। तो हार्ड वुड में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कि सीसम हो जाएगा, साल हो जाएगा और टीक हो जाएगा। वहीं सॉफ्ट वुड में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ये सारे हमारे सॉफ्ट वुड हो जाएंगे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ओके, ऑप्शन डी टीक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रूट द टिम्बर, ऑप्शन ए क्रैक्स, ऑप्शन बी श्रिंक्स, ऑप्शन सी रिड्यूस टू पाउडर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए कि यदि हमारे टिम्बर में ड्राई रॉट का अटैक हो जाता है, इट मींस इसमें क्या होता है, फंगस का अटैक हो जाता है, तो हमारी टिम्बर किसमें परिवर्तित हो जाती है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। एग्जैक्टली, पाउडर फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन पर्पस ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज टू डिटरमाइन दी, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि साउंडनेस टेस्ट करने का मेन पर्पस, मुख्य कारण आखिर क्या है। ऑप्शन ए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग, सेटिंग के बाद जो आयतन में परिवर्तन आता है उसको ज्ञात करना, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ ज्ञात करना, ऑप्शन सी फाइननेस या ऑप्शन डी टाइम टेकन टू हार्डन, जल्दी से आना चाहिए सभी का आंसर। एग्जैक्टली, सभी ने आंसर करेक्ट दिया होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टूगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट, ऑप्शन ए बॉक्साइट एंड एल्यूमिना, ऑप्शन बी बॉक्साइट लाइम स्टोन एंड जिप्सम, ऑप्शन सी लाइम स्टोन जिप्सम एंड क्ले या ऑप्शन डी लाइम स्टोन बॉक्साइट जिप्सम क्ले एंड चौक, जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर हमें ये बताया है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट को बॉक्साइट और लाइम स्टोन को मिला करके प्रिपेयर किया जाता है वो बिल्कुल सही है, इट मींस ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, क्या कह रहा है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कह रहा है, द रेसिड्यू ऑफ आईएच सीव नंबर 9 शुड नॉट बी मोर देन, अभी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इससे पहले की क्लास में उसमें ये वाले क्वेश्चन में रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की जगह हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पूछा गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए भी बता चुकी हूं कि रेसिड्यू किससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता था कि आपका ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो हमने पहले ही आपको बता दिया था। तो जिन्होंने भी मेरी क्लास ली है वो बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर बताएंगे कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट में यदि हम आईएस सीव नंबर 9 या आईएस सीव 90 माइक्रोन से यदि हम चालते हैं तो उसमें अवशेष की मात्रा इट मींस रेसिड्यू कितने परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, इट मींस 0.05 से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज, ऑप्शन ए टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, ऑप्शन बी टू डिटरमाइन द सेटिंग टाइम, नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा, पता है हमें आंसर सभी का क्या आएगा, आंसर सभी का यही आएगा कि साउंडनेस टेस्ट का मेन पर्पस यही है कि हम फ्री लाइम की प्रेजेंस को ज्ञात कर लें, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आईएस कोड गिव्स द स्पेसिफिकेशन अबाउट द सीमेंट प्लास्टर, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि सीमेंट प्लास्टर के लिए आईएस कोड कौन सा हम यूज करते हैं, ऑप्शन ए आईएस 1500, ऑप्शन बी आईएस 1221, ऑप्शन सी 1400 या ऑप्शन डी 1661। एग्जैक्टली IS 1661 is the correct answer for this question. Now let's move on our next question. हमें ज्यादा से ज्यादा questions की practice करनी है, इसलिए हम चलते हैं अपने next question की ओर. ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ लाइम सीमेंट प्लास्टर द रेशियो 1:1:6 corresponds to option A lime ratio cement ratio sand, option B cement ratio lime ratio sand, option C lime ratio sand ratio gravel या option D cement ratio sand ratio gravel, जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। लाइम सीमेंट प्लास्टर के लिए ये रेशियो है और जल्दी से बताइए इसमें से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। एग्जैक्टली 1:1:6 जो 6 है इसमें हमारा फर्स्ट वाला जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
सेकेंड वाला जो वन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जैक्टली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहीं लास्ट में हमारा जो सिक्स है वो सैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस ऑप्शन बी सीमेंट रेशियो लाइम रेशियो सैंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 50 केजी सीमेंट के लिए हमें कितने केजी लाइम की आवश्यकता होगी ये और कितने केजी सैंड की आवश्यकता होगी, जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। तो 50-50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 केजी के लिए 1 × 50 करोगे तो कितना आएगा, 50 केजी किसकी आवश्यकता होगी, लाइम की आवश्यकता होगी। वहीं 50 × 6 करोगे 300 केजी किसकी आवश्यकता होगी, सैंड की आवश्यकता होगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं 50 केजी 50 किलोग्राम सीमेंट के लिए हमें 50 केजी चूने की आवश्यकता होगी और वहीं 300 केजी सैंड की आवश्यकता होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन ए स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल ऑफ ए वेयर हाउस एंड द बैक पाइल्स शुड बी 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सीमेंट बैग शुड प्रीफरेबली बी पाइल्ड ऑन अ वुडन प्लैंक्स। ऑप्शन सी सीमेंट बैग्स शुड बी प्लेस्ड सच दैट द बैग्स ऑफ वन लेयर डज नॉट टच द बैग ऑफ द एडजेसेंट लेयर या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो गोदामों में सीमेंट को रखने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, सभी को आंसर आना चाहिए, सभी को सारी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि एक्सटीरियर वॉल से सीमेंट जो रखा जाना चाहिए वो 30 सेंटीमीटर के गैप पर रखा जाना चाहिए, और वहीं सीमेंट बैग्स जो हमारे होते हैं उनको वुडन प्लैंक्स के ऊपर रखना चाहिए। इसके साथ साथ सीमेंट की बैग्स को हमें लेयर्स में रखना चाहिए और वहीं एक लेयर अपने पास की लेयर से टच्ड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सटी नहीं होनी चाहिए, एक स्पेस में होनी चाहिए, एक गैप बनाए हमें रखना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट टू कंप्लीट ऑल द केमिकल रिएक्शन द वाटर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द सीमेंट इज। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारी सीमेंट में केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके लिए हमारा वाटर का परसेंटेज कितना होता है, 23% होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितना भी पानी हम सीमेंट में मिलाते हैं उसका 15% पानी सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स होता है उसमें इंट्रैप्ड हो जाता है, उसमें भर जाता है। इट मींस हमारा टोटल अगर हम अमाउंट पूछें वाटर का कितना परसेंटेज यूज हुआ, तो 23% प्लस 15% कितना आ जाएगा, 38% आ जाएगा, जिसको हम 40% लेकर चल सकते हैं राउंड ऑफ में, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्या पूछा गया है, केवल पूछा गया है आपको केमिकल रिएक्शन करने के लिए कितनी आवश्यकता होगी पानी के। तो अभी मैंने बताया 23% पानी की आवश्यकता होगी, इट मींस हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 20-25% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ रिटार्डर इन सीमेंट। सभी को आंसर आता होगा, एज अ रिटार्डर सीमेंट में हम किसका यूज करते हैं, एग्जैक्टली जिप्सम का यूज करते हैं, ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाई कैल्शियम सिलिकेट इट मीन C2S। ऑप्शन ए हाइड्रेट्स रैपिडली, ऑप्शन बी जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑप्शन सी हार्डन्स रैपिडली या ऑप्शन डी प्रोवाइड्स लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीमेंट में हमारे जितने भी बॉगीज कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनमें कितनी कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। तो सभी को आंसर आना चाहिए, फर्स्ट नंबर में सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसमें प्रोड्यूस होती है,
एग्जैक्टली ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में होती है, C3A में होती है, और कितनी होती है 864 किलो जूल पर केजी होती है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसमें कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन उत्पन्न होती है, एग्जैक्टली 500 किलो जूल पर केजी उत्पन्न होती है। और वहीं नेक्स्ट हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है, इसमें हमारी 420 किलो जूल पर केजी हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होती है। एंड द लास्ट वन इज डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसमें सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होती है, और कितनी प्रोड्यूस होती है 240 किलो जूल पर केजी प्रोड्यूस होती है। इट मींस ऑप्शन बी जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए व्हाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, ऑप्शन बी पोजोलाना सीमेंट इज ग्रे इन कलर, ऑप्शन सी C3S is a ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, या ऑप्शन डी स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड अंटिल इट इज टू बी यूज्ड। सभी का आंसर आ गया होगा, पढ़ते ही आपका आंसर टिक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो जिन्होंने भी इसका आंसर ये बताया है C3S is a ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेज, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में पोजोलाना को ऐड करने से क्या होता है। ऑप्शन ए डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, क्या ये अर्ली स्ट्रेंथ को कम कर देता है, ऑप्शन बी रिडक्शन इन द केमिकल एक्शन विद सल्फेट, सल्फेट के साथ में जो केमिकल एक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, या ऑप्शन सी इंक्रीज इन श्रिंकेज, संकुचन को बढ़ा देता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। एग्जैक्टली ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए अ गैप ऑफ 0.3 मीटर इट मींस 30 सेंटीमीटर इज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द सीमेंट बैग एंड वॉल व्हाइल स्टोरिंग सीमेंट, या ऑप्शन बी अ गैप ऑफ 100 सेंटीमीटर इज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द सीमेंट बैग एंड वॉल व्हाइल स्टोरिंग सीमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि सीमेंट के बैग्स और एक्सटीरियर वॉल्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, क्या 100 सेंटीमीटर बताया, तो नहीं 30 सेंटीमीटर बताया, इट मींस 0.3 मीटर बताया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एयर परमिएबिलिटी मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट। ऑप्शन ए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ऑप्शन बी फाइननेस टेस्ट, ऑप्शन सी साउंडनेस टेस्ट, या ऑप्शन डी स्लंप टेस्ट। सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए कि एयर परमिएबिलिटी मेथड का यूज हम किस टेस्ट में करते हैं, जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली फाइननेस टेस्ट में इसका यूज किया जाता है, ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एयर परमिएबिलिटी मेथड के साथ साथ फाइननेस टेस्ट के लिए हम सीव एनालिसिस को भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट वल्नरेबल सबसे मूल्यवान टिम्बर में बी ऑप्टेंड फ्रॉम, किससे ऑप्टेंड होती है हमें टिम्बर, ऑप्शन ए चीड से, ऑप्शन बी शीशम से, ऑप्शन सी साल से, या ऑप्शन डी टीक से। किसी का भी नहीं गलत होगा आई थिंक ये आंसर, ऑप्शन डी टीक जो है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान लकड़ी है, ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड यूजिंग एबल्स प्रोसेस। एबल्स प्रोसेस का यूज करके टिम्बर की कौन सी विशेषता को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑप्शन ए ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन बी
फायर रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी केमिकल रेजिस्टेंस या ऑप्शन डी स्ट्रेंथ। ओके, तो आज से आप ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा कि एबल्स प्रोसेस का यूज करके हम टिम्बर की फायर रेजिस्टेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ द प्लाईवुड। प्लाईवुड का मेन एडवांटेज आखिर क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ इज मोर इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ इज मोर इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ऑप्शन सी टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन या ऑप्शन डी सिंकेज स्ट्रेस इज मिनिमम। जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए कि प्लाईवुड में मेन एडवांटेज इनमें से कौन सा है। एग्जैक्टली, प्लाईवुड में टेंसाइल स्ट्रेंथ का सभी डायरेक्शन में सेम होना ही एक मेन एडवांटेज है। ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर व्हिच इज यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर विंडोज। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूं, आप चार्ट के रूप में इसको बना लीजिएगा। पहला आपका बीम, स्लैब या लिंटल, इन सभी के लिए हम मैक्सिमम परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट कितना रखते हैं, तो याद रखिएगा 12-20% के बीच में रखा जाता है, ठीक है ना। वहीं हमारा डोर्स हो गए, विंडोज हो गए, इनके लिए क्या रखा जाता है, तो इनके लिए 10-16% रख सकते हैं या फिर हम 8-16% रख सकते हैं। और नॉर्मली हमारा मैक्सिमम परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट 12% रखा जाता है। तो जल्दी से बताइए, विंडोज के लिए अभी मैंने बताया हम कितना मॉइस्चर कंटेंट रख सकते हैं। ऑप्शन बी 10-16% हम मैक्सिमम रख सकते हैं। ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हार्ड वुड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूं, एक सॉफ्टवुड होता है, एक हार्डवुड होता है। हार्डवुड के भी एग्जांपल बताए, क्या क्या बताया, सीसम, साल और टीक। सॉफ्टवुड के क्या क्या एग्जांपल बताए, देवदार बताया, चीड़ बताया। तो हार्डवुड के जल्दी से आप देखिए एग्जांपल में, क्या यहाँ पे साल है, क्या यहाँ पे टीक है, नहीं है। तो हार्डवुड इन सभी ट्रीज में से किसके द्वारा प्रोड्यूस हो सकती है, ऑप्शन डी सीसम के द्वारा प्रोड्यूस हो सकती है क्योंकि इसमें सैप नहीं होता है। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रॉपरली सीजन्ड टिम्बर। यहां पे कुछ आपका नहीं दिया गया है, ना बीम लिंटल स्लैब भी नहीं दिया है, ना डोर या विंडो भी नहीं दिया है। इट मींस हमें नॉर्मली यहां पे बता के चलना है, तो अभी मैंने बताया था 12% होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप आंसर देखोगे, ऑप्शन ए 5-8% दिया गया है, ऑप्शन बी 10-12% दिया गया है, ऑप्शन सी 18-25 दे दिया गया, बहुत ज्यादा हो गया, ऑप्शन डी जो है वो हमारा 25-35% सबसे ज्यादा हो गया। हमने आपको बताया था नॉर्मली 12% आप लेके चलिएगा, 12 इसमें आ रहा है ना, ऑप्शन बी आप करेक्ट करके आइएगा, आपका कहीं से भी नहीं गलत होगा। तो ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉडस्ट कैन बी रेंडर्ड केमिकली इनर्ट बाय बॉइलिंग इट इन वाटर कंटेनिंग। जल्दी सभी लोग बताइए कि लकड़ी के बुरादे को इससे युक्त पानी में उबालकर रासायनिक रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। पानी में यदि हम इनमें से क्या डाल दें कि हम लकड़ी के बुरादे को रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन ए फेरस सल्फेट को डाल दें, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी अमोनिया या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, तो यदि हम फेरस सल्फेट को पानी में उबालकर उसमें अपनी लकड़ी को डाल देते हैं, तो उस लकड़ी में से जितना भी बुरादा होता है वो रिमूव हो जाता है, हम उससे मुक्ति पा लेते हैं। सो ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉइंग टिम्बर।
टिम्बर को काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है, ठीक है ना। टिम्बर को हमें काटना भी पता होना चाहिए, कौन कौन से तरीके होते हैं टिम्बर को काटने के लिए। ऑप्शन ए, टेंजेंशियली टू एनुअल रिंग्स, ठीक है ना, टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड। ऑप्शन बी, इन फोर क्वार्टर सच दैट द ईच बोर्ड कट्स एनुअल रिंग्स एट एंगल नॉट लेस देन 45 डिग्री इज नोन एज क्वार्टर सॉइंग मेथड। ऑप्शन सी, कट आउट ऑफ क्वार्टर लॉग पैरेलल टू द मेडुलरी रेज एंड परपेंडिकुलर टू द एनुअल रिंग इज नोन एज रेडियल सॉइंग, या ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहां पे हमें टेंजेंशियल सॉइंग के बारे में बताया गया, क्वार्टर सॉइंग के बारे में बताया गया और रेडियल सॉइंग के बारे में बताया गया। तो इन तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक लकड़ी को काट सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन ही हमारे सही हैं। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बैथल प्रोसेस इज यूज्ड। ऑप्शन ए, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन बी, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिटुमिनस मटेरियल, या ऑप्शन डी, ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर। बैथल प्रोसेस जो है इनमें से किसमें प्रयोग किया जाता है, एग्जैक्टली लकड़ी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी लकड़ी में जो वायु रंध्र होते हैं, जो मॉइस्चर वॉइड्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम बैथल प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। सो ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक कर दीजिएगा, और अभी भी आपने अपने चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अपनी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है, कॉन्सेप्ट्स को बार बार हमें रिविजन में रखना है। ओके, थैंक यू।